हाई एवरी वन वेलकम टू एन अकाडमी कैसे सब बचें येस कैन यू सी मी कैन यू हेयर मी सबको सब कुछ दिख रहा है बता दो एक बार ही हाँ जी यस कम ऑन टेल मी आर यू एक्साइटेड टू स्टार्ट आवर प्लांट फिजियोलॉजी यस yes. तो आज बेटा हम प्लांट फिजियो का सबसे पहले वाला पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं एंड द फर्स्ट पोर्शन इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स प्लांट्स के अंदर जो सामान है जो वाटर है मिनरल्स हैं वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन ऑस्मोसिस इन सब के बारे में देन विल टॉक अबाउट कि कैसे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम ठीक है कौन कौन से प्रेशर डिपेंडेंट चीजें हैं कौन से पुल काम करते हैं कौन सा पुश है ये सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं सो so, मेरे ख्याल से सब बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं अब ये सीरीज यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की सीरीज रुकने नहीं वाली है ठीक है अब जो प्लांट फिजियोलॉजी है जिसमें डेली क्लास होगी और हमें 5 दिन में अगले प्लांट फिजियोलॉजी को डन करने वाले हैं वेरी गुड इवनिंग फटाफट से आ जाओ जो बच्चे अभी नहीं आए हैं क्योंकि बेटा हम शुरू कर रहे हैं वन डे वन चैप्टर जिसमें अपने स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का वन शॉट है ना तो जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दू इन्फॉर्मेशन ये है कि यार मॉक टेस्ट तो तुम बहुत सारे देते आए हो लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है एक बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज को अटेंड करने का जिसको नाम है बेटा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर नीट ट्वेंटी जो कि स्टार्ट हो रही है बेटा ट्वेल्थ ऑफ जून से वन में आपको टोटल इलेवेंथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रॉपर रैंक प्रोडिक्टर है सोल्यूशन है एनालिसिस है सब कुछ मिलेगा तो इस पे बेटा 199 पे तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा कोड लगा लेना तुम सीप्लाई फुल लेंथ मॉक टेस्ट है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीजें आ जाएंगी उसमें ओके चलिए तो ये चीज बतानी थी अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स पे यस ऐसा लगता है बेटा ऐसा होता है सबके साथ एक बच्चा कह रहा है मिस्टर कह रहे हैं कि मैम ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ भूल रहा है ऐसा किस किस को लग रहा है यस बता दो फटाफट -फड़ से ऐसा किस किस बच्चे को लगता है कि मैम सब कुछ ना भूलता जा रहा है अब समझ नहीं आ रहा कैसे आगे कॉन्टिन्यू करूं तो बेटा ये जो भूलता जा रहा है ना ये सबके साथ होता है इसका एक ही तोड़ है रिविजन 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 रोज बायो के कम से कम दो से तीन चैप्टर तुम रिवाइज कर रहे हो है ना अपने पुराने नोट्स को निकाल के एनसीईआरटी को निकाल के रिवाइज करो क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया था जो फॉरगेटिंग कर्व है जिसमें हम भूलते हैं बेटा वो ऐसे काम करता है आज जितना याद है उससे एक हफ्ते के बाद सब भूल जाना है और ये सबके साथ हो रहा है तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है ठीक है एक ही तोड़ है रिविजन दूसरा तोड़ है प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्यों बोल रही हूँ क्योंकि यार मॉक टेस्ट दोगे ना तो वो चीज याद आ जाएगी अच्छा ये पढ़ा तो था फिर तुम अपनी किताब खोलोगे अच्छा कहाँ पढ़ा था पूरा टॉपिक दोबारा देखोगे फिर उसका आंसर दोगे तो ऐसे आपका मॉक टेस्ट भी काम करता है

अमेजिंग अमेजिंग नोट्स मिलेंगे आज भी मस्त तरीके से हम लर्न करने वाले हैं ओके okay, तो क्या कह रहे हैं बेटा फ्लावरिंग प्लांट में तुम जानते हो एनिमल्स की तरह कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होता कोई ऐसे वेसल्स तो नहीं बनी हुई हैं तो यार वाटर है मिनरल न्यूट्रिएंट्स है ऑर्गेनिक न्यूट्रिय पी जी आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इनका ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए किस किस तरीके से कर सकते हो देखो जो ट्रांसपोर्ट है कुछ तो ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो सेल के सेल के बीच में भेजना है एक सेल सेल में ही एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है उनको हम क्या बोल देंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या फिर एक सेल से दूसरे सेल तक भेजना बहुत नजदीक नज़दीक अपने ने सामान भेजना है अगर नजदीक सामान हमने भेजना है तो हम या तो भेज देंगे डिफ्यूजन की मदद से या फिर बेटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्योंकि एक सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा एक सेल है सेलस्टांस को यहां से यहां भेजना है तो कैसे भेज दोगे बेटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से या फिर तुम तुम क्या क्या यूज 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 कर 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 लोगे 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 सेल सेल टू भेजना है छोटे डिस्टेंस के तरफ तो डिफ्यूजन लेकिन बेटा अगर तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है यानी कि रूट से लेकर जाकर ऊपर शूट तक लीवस तक भेजना है या लीव्स ने कुछ बनाया खाना बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो तुम्हें रूट यानी कि स्टोरेज ऑर्गन में या डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में भेजना है तो शॉर्ट डिस्टेंस से नहीं हो सकता देखो होने का तो हो सकता है डिफ्यूजन से लेकिन वो इतना स्लो है इतना स्लो है कि प्लांट ही मर जाएगा तो अपने को ये काम भी फास्टली करना है तो ये हम करेंगे स्पेशलाइज टिश्यू की मदद से और वो जो स्पेशलाइज टिश्यू है वो कौन सा है जाइलम एंड फ्लोएम दैट इज अवर वास्कुलर टिश्यू जब भी बेटा ये लॉन्ग डिस्टेंस पे बल्क ट्रांसपोर्ट होता है ज्यादा Uh, you know, quantity में सामान जाता है। है? इसको इसको अपने लोग क्या 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 बोलते 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 हैं? हैं। हैं बेटा? इसको normal transport नहीं बोलोगे? क्या बोलोगे? Translocation बोलोगे। ठीक है? Yes. अब यार कुछ तो चीजों का ट्रांसपोर्ट ऐसा है जो यूनिडायरेक्शनल होता है यूनिडायरेक्शनल बेटा देख सकते हो कि पानी तुमने कहाँ से लेना है सॉइल से लेना है और कोई जगह नहीं है बेटा पानी लेने की सॉइल से कौन लेगा रूट्स लेगा अब रूट्स ने पानी रूट से ऊपर ही भेजना है शूट सिस्टम तक भेजना है सो दिस इज यूनि डायरेक्शनल क्योंकि पानी का सोर्स ही वो है ठीक है तो रूट सिस्टम से शूट सिस्टम तक तो वो हो गया बेटा आपका यूनि डायरेक्शनल की रूट टू लीव भेजेंगे हम वाया अब यार जो खाना बन रहा है खाना कहाँ बन रहा है अपना

कर देता है है ना कल को जब पतझड़ आता है प्लांट में तो पत्ते तो खत्म हो जाते हैं तो प्लांट जिंदा कैसे रहता है फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहा तब वो जिंदा रहता है डिपेंडिंग अपॉन जो खाना अपने ने पहले बना लिया लिया था ना उसको रूट में स्टोर करके रख लिया, तो उस खाने को हम वापस ऊपर भेज देते हैं जिससे प्लांट क्या रहता है अलाइव रहता है उस वाले आ, सीजन में भी ठीक है और ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होता है फ्लोएम की हेल्प से होता है ठीक है याद रखेंगे साथ ही प्लांट के पार्ट्स क्या कर रहे हैं एजिंग कर रहे हैं। रहे हैं हैं बूढ़े होते जा तो जो बूढ़े वाले प्लांट में जो वाले में जो जो बूढ़े वाले पार्ट न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ग्रोइंग पार्ट्स में दे देंगे कि नहीं होता नहीं क्या बेटा हमारे यहाँ पर कि जब वो दादी नानी पर दादी बेटा जब बूढ़ी होने वाली होती है तो अपने हाथ का कंगन उतारेंगी और आने वाली अपनी बहू को दे देंगी क्यों क्यों बेटा क्योंकि यार उन्होंने तो खत्म हो जाना है ना जैसे ये सेनेसेंस हो जानी है, एजिंग हो जानी है तो जो है उनके पास वो ग्रोइंग ऑर्गन को दे दो ताकि उसके किसी काम आ जाए ठीक है यस ताकि बेटा वो ऑर्डरली हर ऑर्गन उसको रिसीव कर पाए तो इतनी बात समझ आई तो ये कंगन देने वाली बात हो गई है कि अपने ने एजिंग पार्ट से न्यूट्रिएंट्स उठा के किसको दे देने हैं ग्रोइंग पार्ट्स को दे देने हैं ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट यह ट्रांसपोर्ट कर कैसे सकते हैं देखिए कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसके लिए अपने लोग यूज करते हैं

फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन यानी कि यह जो मूवमेंट है यह कैसा मूवमेंट है डाउन हिल मूवमेंट है खुद से बहता जाएगा ठीक है खुद से बहता जाएगा लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है ये yes. तो अपने ने कभी भी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है सेल टू सेल करना है इंटर सेलर में कुछ भेजना है तो किसकी मदद से भेजते हैं बेटा डिफ्यूजन की मदद से भेजते हैं अभी यार डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट वाई डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डिफ्यूजन ही एक ऐसा मेथड है प्लांट के लिए जिसके थ्रू वो अपने अंदर गैसेस को मूव कराते हैं बेटा प्लांट के अंदर ऑक्सीजन सीओ ये सब किसकी मदद से मूव करेगा डिफ्यूजन की हेल्प से मूव करेगा और कोई तरीका नहीं है कोई तरीका नहीं है इस वजह से डिफ्यूजन इज वेरी 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 क्रूशियल फॉर द प्लांट ठीक है तो गैसेस में डिफ्यूजन सबसे आसानी से हो जाएगा मानने वाली बात है यार गैसेस में फ्लूडिटी बहुत ज्यादा है कैनाटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आसानी से होगा पीछे 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 कौन डिफ्यूज हो रहा है लिक्विड और सबसे धीरे डिफ्यूजन कम किस में देखा जाता है सॉलिड में देखा जाता है अब एनसीआरटी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख देती है दैट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर कॉमन देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड कैन यू सी दिस लाइन क्या सबको ये लाइन दिख रही है कि सॉलिड के बीच में डिफ्यूजन होना ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू ऑफ द सॉलिड इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल या एग्जाम्पल पर फोकस करना मान लो बेटा ये सॉइल के पार्टिकल्स है ये क्या है सॉइल के पार्टिकल्स है सॉलिड है solid? बताएंगे सब बच्चे चार्ट में मुझे येस एवरी वन इन द चार कम ऑन टेलमी यस yes, आ जाओ फटाफट से बताओ हाँ जी बताओ हाँ जी दिख रही है सॉलिड है कि नहीं है अब यार तुमने इस सॉइल में तुम्हारा मन किया परसों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आया तो तुमने इस सॉइल के अंदर क्या डाल दिया पानी डाल दिया देख रहे हो सॉलिड के बीच में जो जगह मिली तुमने उसमें क्या डाल दिया पानी डाल दिया अब यार ये पानी तो बड़ी तेजी से डिफ्यूज कर जाएगा यानी कि इस सॉलिड के बीच में डिफ्यूजन ज्यादा कॉमन है ये बेटा इंटर इसके जो स्पेस है के बीच में इसमें डिफ्यूजन ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू ऑफ सॉइल पार्टिकल तो डिफ्यूजन इन सॉलिड यस डिफ्यूजन इन सॉलिड है बेटा सॉलिड के बीच बीच में जो जगह है वहां पर डिफ्यूजन ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू ऑफ सॉलिड ये लाइन बहुत इम इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी की इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्या यह बात समझ आई कि सॉइल बींग अ सॉलिड पार्टिकल सॉयल आसानी से मूव नहीं करेगी लेकिन सॉइल के बीच में डिफ्यूजन इन सॉलिड बीच में जो जगह है वहां से लिक्विड बड़ी तेजी से मूव कर जाएगा यस सो डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर कॉमन देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड ठीक है अब यार ये डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्कुल सही बात है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंसेस विल मूव टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इट इज अफेक्टेड बाय परमेबिलिटी देखो जिसकी जिस मेमरन की परमेबिलिटी ज्यादा होगी वहां से आसानी से डिफ्यूजन होगा फास्ट होगा टेम्परेचर बिना टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कैनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ा कैनेटिक एनर्जी बढ़ी तो डिफ्यूजन भी फास्टर हुआ प्रेशर बेटा प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो अगेन वेलोसिटी बढ़ती है वेलोसिटी बढ़ेगी तो अगेन डिफ्यूजन क्या होगा फास्टर होगा तो इट इज अफेक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स इसको इनिबिटर वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है ये अपना चलते जाता है ओके okay? ये देख लीजिए बेटा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट हो रही है सब्सटांसेस की राइट right? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आता है बेटा सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज टाइप ऑफ प्रोटीन जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या बोलते हैं बेटा इसको फैसिलिटेटेड अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है यार सबसे पहले इसके नाम में क्या आ रहा है डिफ्यूजन आ रहा है डिफ्यूजन आ रहा है यानी कि यह भी कैसे होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन ही होगा ये भी कैसे होगा हाई टू लो ही होगा हो हो ठीक है लेकिन इस हाई टू लो में अपने को चाहिए कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन इन प्रोटीन्स की मदद से अगर डिफ्यूजन हो हाई टू लो हो तो उस स्पेशल डिफ्यूजन को तुम क्या बोलते हो फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन यह डिफ्यूजन तो अभी भी ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है, है ना ग्रेडियंट पहले से होना चाहिए तभी ये डिफ्यूजन होगा ग्रेडियंट सेट नहीं करते हैं ये तो पहले से जब ग्रेडियंट होता है तो ये डिफ्यूजन होता है एंड दिस डिफ्यूजन इज अ काइंड ऑफ पैसि प्रोसेस कोई एनर्जी नहीं लगती है क्योंकि हाइट लो मूव करा रहे हैं एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है एनर्जी तो धक्का तो बेटा तब देना पड़ता है जब उल्टी दिशा में चल रहे हो जब सीधी दिशा में चल रहे हो तो क्या धक्का दोगे है ना इट्स अ पैसिव प्रोसेस एंड द रेट विल डिपेंड अपॉन द साइज एंड द लिपेड सॉल्युबिलिटी यस कि कितना बड़ा मॉलिक्यूल है छोटा है तो आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा बड़ा है तो थोड़ा सा यू यूनो मुश्किलें आएंगी लिपिड सॉल्युबिलिटी क्यों क्योंकि यार ट्रांसपोर्ट तो मेमब्रेन में से ही होना है प्लाज्मा किसकी बनी हुई है लिपिड्स की बनी हुई है तो जो सब्सटेंस लिपिड में है वो आसानी से मूव कर जाएगा है ना और स्मॉलर सब्सटेंस भी फास्टर मूव करेगा तो ये डिफ्यूजन जो कि प्रोटीन्स की मदद से हो दो तरीके के प्रोटीन्स हो सकते हैं चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स ठीक है चैनल क्या होता है चैनल बेटा हमेशा ओपन होता है उसमें एक पोर होता है कैरियर क्या होता है कैरियर में कोई पोर नहीं होता उसमें बेटा ऐसे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है और सब्सटेंसेस मूव कर जाते हैं वन टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज पोरेंस एक तरीके का चैनल है बेटा उसको क्या बोलते हैं पोरेंस पोरेंस क्या है बेटा लार्ज पोर्स है आउटर मेम्ब्रेन में किसकी आउटर मेम्ब्रेन में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है किस में होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड साथ में सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली तो पोरेंस बेटा लार्ज पोर्स है जिसमें से छोटे साइज का सब्सटेंस जाता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लार्ज पोर्स है लेकिन छोटे साइज का सब्सटेंस वहां से क्रॉस करता है ये पोरेंस किसमें प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्री और क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में तभी तो बेटा उनकी आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, है कि नहीं है पढ़ा हुआ बेटा तुमने कि नहीं पढ़ा हुआ कि पो आ, अपने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है वो परमिबिलिटी कहाँ से आई उनके पास वो परमिबिलिटी बेटा कहाँ से आई उनके पास बिकॉज ऑफ द पोरेन्स यस और नो बेटा जी बताइए बताइए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बेटा आपको ये सारे नोट्स बेस्ट नोट्स हैं बेटा आपको ऐसे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलेंगे ये सब मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं आप सीब पाहुजा बायोलॉजी के नाम से सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा वहां पर मैं एवरीडे तुम्हारे साथ ये नोट्स शेयर कर देती हूँ तो यहाँ पर आकर आपस में बतियाना बंद करो सिर्फ मेरे से बात करो और चीज को समझो ठीक है चीज को समझो तो यार चैनल एक वो तरीके का प्रोटीन है जो कि हमेशा क्या होता है ओपन होता है ठीक है चैनल हमेशा क्या होता है ओपन होता है कंट्रोल्ड है एंड लार्जर साइज का ओके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी मच सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स यस कोई भी इनहिबिटर आ जाएगा तो बेटा डिफ्यूजन जो हो जाएगा वो रुक जाएगा ठीक है जहां पर प्रोटीन आ गए ना क्योंकि प्रोटीन से मूवमेंट हो रहा है तो ये इनहिबिटर सेंसिटिव होता है ओके एंड इट अलाउज ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ओनली कुछ कुछ मोलिक्यूल बेटा हम मूव करा पाएंगे कुछ कुछ मोलिक्यूल ये अलाउ नहीं करेगा ठीक है तो ये बात हो गई आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की देख रहे हो हाँ जी यहाँ पे फोकस करें यहाँ पे फोकस करें मूवमेंट हो रही है सबस्टांसिस की किसके द्वारा हो रही है देखो ये मेम्ब्रेन बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तुमको पता है अपने पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये फॉस्फोलिपिड हो गए बीच बीच में अपने पास क्या उनसे प्रोटीन प्रेजेंट है इंट्रेंसिक प्रोटीन या फिर तुम इसको क्या बोल देते हो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ये जो इंट्रेंसिक और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये तो असली वर्कर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहीं से बेटा आपके सब्सटेंसेस क्रॉस करके जाएंगे तो जब बेटा सब्सटेंस इस प्रोटीन की मदद से क्रॉस होता है इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ठीक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एग्जाम्पल वाटर चैनल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरेंस अब एक्वापोरेंस कितने तरीके के होते हैं बताओ एनसीआर में एक नंबर दिया होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टाइम कितने तरीके के हैं यस yes. कौन बताएगा कौन बताएगा बेटा कितने तरीके के हैं यस नंबर दे रखा है वन से टेन के बीच में ऑप्शन है तुम्हारे पास ये ऑप्शन में जब तुम आओगे तो कितने तरीके के हैं बेटा एट ये क्वेश्चन एज इट इज एज इट इज उठ के आता है ठीक है एक्वापोर कितने हैं एट है तुम्हारे पास जिससे पानी का ट्रांसपोर्ट होता है ये yes. तो इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एक्स्ट्रा सेलर मॉलिक्यूल प्रोटीन से जुड़ा और इस प्रोटीन ने इसको अंदर की तरफ थक्का मार दिया ठीक है लेकिन एनर्जी यहां पर यूज नहीं हुई ये एक पैसिव प्रोसेस है ये क्या है एक पैसिव प्रोसेस है अब यार तीन तरीके का ये प्रोसेस हो सकता है अगर तो बेटा एक मॉलिक्यूल जो है वो ना साथ साथ रहना पसंद करता है मतलब उसका एक साथी है साथी जाएगा तो मैं जाऊंगा होता नहीं बेटा तुम्हारी क्लास में मेरी ना बेस्ट फ्रेंड मेडिकल रख रही है तो मैं मेडिकल रखूंगी मेरी बेस्ट फ्रेंड ना इस कोचिंग में उसने एडमिशन ले लिया मैं भी वही करूंगी तो बेटा वो होते हैं हो, क्या बोलते हैं सिम्पोर्ट ठीक है उसको क्या बोलते हैं सिम्पोर्ट तो वो जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो क्या है सिम्पोर्ट दूसरा होता है बेटा भाई बहन का रिलेशनशिप या फिर भाई भाई का रिलेशनशिप मुझे मैच देखना नहीं मैच नहीं चलेगा यहाँ पे तो अनुपमा चलेगी ना ना आई चलेगा अनुपमा चलेगी आई चलेगा अनुपमा चलेगी यानी कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले सो इफ द मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन उसको बोलेंगे एंटीपोर्ट ठीक है तो अगर तो दो मॉलिक्यूल प्रोटीन के थ्रू एक ही दिशा में जाते हैं मूव इन सेम डायरेक्शन सिम पोर्ट ऑपोजिट डायरेक्शन एंटीपोर्ट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है तो मेडिकल रख रहा है तो कॉमर्स रख रहा है तो आर्ट्स रख रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है मैं तो अपना कूल रहकर ड्रॉप आउट कर रहा हूं है ना जिसको दूसरे के ट्रांसपोर्ट से फर्क नहीं पड़ता है जो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है वो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा यूनिपोर्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं यूनिपोर्ट यूनिपोर्ट जो अकेला है जिसको दूसरे से फर्क नहीं पड़ता सेम पोर्ट बेटा जो दूसरे के साथ सेम दिशा में जाता है और एंटीपोर्ट जो कि ऑपोजिट दिशा में जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व है सबसे पहली चीज प्रोटीन्स है कौन से टाइप के प्रोटीन्स है बेटा कुछ पंप्स है जो कि प्रोटीन का काम करते हैं प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं एंड दे यूज एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यार ये एनर्जी यूटिलाइजिंग ट्रांसपोर्ट है क्योंकि यहां सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन दिस मूवमेंट कि यार पहाड़ के ऊपर चढ़ने में बड़ी मुश्किल आती है ठीक है लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन झरना देखा बेटा बाहुबली मूवी देखी थी

तो जब ऊपर पानी है तो पानी बहुत हाई कंसेंट्रेशन में है पानी बहुत आसानी से हाई टू लो मूव कर जाएगा ये हो गया डिफ्यूशन हाई टू लो कोई एनर्जी नहीं लगी खुद से आया पानी गिर गया लेकिन अगर तुम्हें मैं बोल दू नीचे से उस पानी को ऊपर लेकर जाना है अपहिल ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन लेकर जाना है तो बेटा याद आ जाएगा ना कौन याद आ जाएगा सब याद आ जाएंगे तुम्हें अपने नानी दादी सब याद आ जाएंगी है ना तो जो लो कंसंट्रेशन टू हाई होता है उसमें बेटा ट्रांसपोर्ट कैसा होता है एनर्जी मांगता है वो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑल्सो लाइक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दे आर सेंसिटिव टू इनहेबिटर्स ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही अलाउ करते हैं देखो ऐसा कुछ भी डिफ्यूजन में नहीं था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में था क्योंकि यहाँ प्रोटीन आ गए तो प्रोटीन आर सेंसिटिव टू इनहेबिटर्स एंड ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेंगे और अगर बेटा मान लो बहुत दस प्रोटीन्स है मेमब्रेन में दस के दस प्रोटीन्स में, में बेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो यानी कि अपने सेचुरेशन लेवल इज सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा हुआ है तुमने सोडियम पोटेशियम पंप ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है एक एटीपी को यूज करेगा है ना एटीपी यूज करने का मतलब है एडीपी और फॉस्फेट में तोड़ देना क्या करता है तीन सोडियम तीन सोडियम बाहर दो पोटाशियम अंदर है ना जब भी चलेगा, चलेगाियम इन एक बारी चला तीन सोडियम बाहर दो पोटासियम इन दूसरी बारी चला तीन सोडियम बाहर दो पोटासियम इन सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्योंकि यहां पर अपने ए को यूज कर रहे हैं ओके okay जी चलिए सो so, ऐसी कौन सी चीजें हैं बेटा जो कॉमन है फोकस करना इस स्लाइड पे नेम द थिंग्स विच आर कॉमन बिटवीन फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो दोनों चीजों में सबसे बड़ी कॉमन चीज है कि यार प्रोटीन यूज हो रहा है क्या यूज हो रहा है प्रोटीन यूज हो रहा है अगर प्रोटीन यूज हो रहा है तो यार ये इनहिबिटर्स के लिए बहुत सेंसिटिव है अगर प्रोटीन यूज हो रहा है तो बड़े सिलेक्टिव हैं प्रोटीन सबको नहीं आने देता प्रोटीन इज वेरी सिलेक्टिव ठीक है एंड इट इज अंडर द हॉर्मोनल रेगुलेशन सेचुरेशन भी इसमें हो सकती है क्योंकि यार जब प्रोटीन भर गए जगह ही नहीं बची तो कहां से ट्रांसपोर्ट करोगे है ना इट इज लाइबल टू सैचुरेट ठीक है एक चीज जो इनमें कॉमन नहीं है कॉमन नहीं है वाली चीज यहां नहीं लिखी है लेकिन तुम बताओगे क्या कॉमन नहीं है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द वन विच रिक्वायर्स एनर्जी लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती एक्टिव इज द वन जिसमें लो टू हाई मूव करते हैं

एक बच्चे ने ऐसे रट्टा लगाया हुआ है मतलब तुम लोग रट्टे भी कैसे लगाते हो मैम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को लिख लो एटी तो एटी में यूज होता है ए ये कोई रट्टा लगाने वाली चीज है इसमें निमोनिक बनाने की जरूरत भी थी एट्थ क्लास से पता होता है बच्चे को कि एक्टिव में एनर्जी होती है पैसिव में एनर्जी नहीं होती तो मतलब क्या रट्टे हैं एक्टिव को लिख लो एटी एटी में होता है ए वाह क्या बात है बहुत इंटेलिजेंट हो बहुत ही इंटेलिजेंट हो सब बच्चे यस yes. चलिए तो एक बार देख लो यार सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन यूज़ नहीं होता बाकी दोनों में यूज होता मैं थोड़ा इधर हो जाती हूँ सिलेक्टिव कौन होगा सिलेक्टिव वो होगा बेटा जो प्रोटीन यूज कर रहा है जो प्रोटीन यूज कर रहा है ये दोनों यूज कर रहे हैं ठीक है होगी जिसमें हो क्योंकि प्रोटीन भर गए तो जगह नहीं बचेगी सैचुरेट हो जाएगा एक ही है, अपना एक्टिव, बाकी दोनों क्या है एटीपी चाहिए आपके एक्टिव वाले को ए टीपी भी किसको चाहिए एक्टिव वाले को चाहिए तो क्या यहां तक वाला पोर्शन क्लियर है सबको मुझे फटाफट से, से सेशन को लाइक करके बता दो एंड चैट सेक्शन में बता दो फटाफट से दो चीजें करेंगे सेशन को लाइक करेंगे यहां पर ये जो क्लास दी हुई है आ, किस में दी हुई है इसको क्या बोलते हैं चैट बॉक्स में ऊपर पिन की हुई है उस पर जाके एनरोल कर लेंगे तो ये जब हो जाए तो मुझे बताना हम अगले हिस्से पे बढ़ेंगे आगे ये वील मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज प्लांट वाटर रिलेशनशिप नोट्स पसंद आते हैं तो यार बेटा लाइक शाइक भी बनता है कि नहीं बनता पता है कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में तुम्हारे लिए मैम को रात रात भर जाकर ये नोट्स बनाने पड़ रहे हैं बिकॉज मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास एक ऐसा चीज हो जिसमें तुम पढ़ने का भी मन करे है ना खुद का लिखा हो तो पढ़ने का मन नहीं करता थोड़ा कलरफुल हो जिसमें सारी एन हो उस टाइप के नोट्स बने ठीक है तो फटाफट से लाइक कर दो कर दिया यस थ्री डी में करवाओ बहुत बढ़िया ये जिस भी बच्चे की फरमाइश आई है ये फरमाइशें करते हो बेटा आज क्या तारीख है आठ तारीख है पेपर कब है सत्रह जुलाई जरा गिन के बताना कितने दिन बचे हैं हाँ हाँ गिन के बताओ उंगलियों पे गिन सकते हो बताइए बताइए कितने दिन बचे हैं टुडे इज एट ऑफ जून पेपर इज ऑन सेवेंटीन ऑफ जुलाई कितने दिन बेटा बचे हैं आपके पास यस yes. यस yes, बता दो बता दो कितने दिन बचे हैं गिन के बताना सही दिन बताना कितने दिन बचे हैं थर्टी नाइन वन मंथ नहीं बचा है बेटा थोड़ा सा वन मंथ से ज़्यादा है अप्रॉक्सीमेटली थर्टी नाइन डेज बचे हैं अभी भी इनकी उम्मीद इनकी उम्मीद इतनी फरमाइश है कि मैम थ्री में करा दो थोड़ा सा प्लांट में चलता हुआ ट्रांसपोर्ट दिख जाएगा हमें ना बहुत मज़ा आ जाएगा बेटा मैं तो करा दूंगी तुम्हें समझ कुछ ना आएगा क्योंकि थ्री होता है टाइम के लिए ये टू ईयर का बच्चा करता है बेटा अगर तुम अभी इलेवंथ में होते ना तो मैं थ्री में कराती रुक रुक के बस इतना ही कराती चली जाती इसी इसी यहाँ तक कि मैं तुम्हें दो घंटे में कराती ठीक है अभी बेटा फटाफट टाइम है एनसीआरटी को मगप करने का एक भी पॉइंट मिस ना होने देने का हर चीज तुम्हें एनसीआरटी की एक लाइन आनी चाहिए इसके लिए बेटा आप नहीं कर रहे और एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है कल मैंने टेलीग्राम पे एक पोल कराया था बच्चे समझ गए होंगे एक बहुत बढ़िया चीज हम करने वाले हैं जिससे तुम्हारी एनसीईआरटी टेस्ट हो जाएगी लेकिन मैं उसका खुलासा आज रात को करूंगी कोई बच्चा गैस करना चाहे तो कर सकता है कि एनसीईआरटी को लर्न करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है टेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कोई ऐसी चीज जो आज तक किसी ने नहीं कराई है वो हम कराने वाले हैं यस हाँ चलिए आ गए आ जाओ तो बेटा तुमने देख लिया कि जो वाटर uh, है वाटर मेक्स वन ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ एनी वन बॉडी प्लांट की बॉडी की बात करें जैसे वाटरमेलन में देखो यार वाटरमेलन बोला जाता है गर्मियों में खूब खाओ 92 परसेंट जो बॉडी uh, है वाटरमेलन की वो पानी से बनी हुई है हरबेश प्लांट में देखोगे तो सिर्फ 15 परसेंट तक ही ड्राई वेट है बाकी सब क्या है पानी है ठीक है यानी कि मस्टर्ड को देखोगे तो वो अपने वेट के बराबर पानी पांच घंटे में एब्जॉर्ब कर लेता है तो यार प्लांट की जो बॉडी है वो मेनली किससे बनी हुई है पानी से बनी हुई है ठीक है मैच्योर कॉर्न बेटा थ्री लीटर्स पर डे वाटर ले लेता है साथ ही में लेकिन ये लोग क्या शो करते हैं ट्रांसक्रिप्शन भी शो करते हैं ट्रांस ट्रांसपीरेशन भी शो करते हैं ट्रांसपीरेशन में क्या होगा एवरी टाइम जो विजिबल पार्ट है प्लांट का लीव्स है वहां से क्या होगा वाटर का लॉस भी होता जाएगा यानी कि प्लांट को पानी बहुत ज्यादा जल्दी से लेना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपिरेशन होती जा रही है तो पानी जो है है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रोडक्टिविटी के लिए असेंशियल एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं और नेचुरल एनवायरमेंट में भी प्लांट चाहिए वाटर चाहिए ही चाहिए सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि बेटा सेल की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोटोप्लाज्म सब कुछ पानी पे है जो मीडियम है ना सेल के अंदर वो किसका है पानी का है तो पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सारे उसी उसी में में होते हैं और समझने के लिए तो सबसे पहली चीज बेटा हम करेंगे वॉटर पोटेंशियल क्या होता है वॉटर पोटेंशियल वॉटर पोटेंशियल होता है बेटा कि एक वॉटर बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल है वॉटर के अब वाटर के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज्यादा एनर्जी है जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो वाटर मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं दैट इज साई और वो प्रेशर यूनिट में यूज करते हैं बेटा उसका यूनिट क्या है पास्कल तो अगर किसी भी बीकर में पानी है पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कनाटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तो यार उसका वाटर का पोटेंशियल भी ज्यादा पोटेंशियल समझते हो पोटेंशियल यानी कि मैंने इस क्लास में से बच्चा उठा लिया जैसे जानवी, जानवी सिन्हा इस क्लास की बच्ची है जानवी सिन्हा के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं कि जानवी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है जानवी कंसिस्टेंट है जानवी रोज पेपर लगाती है जानवी एन भी रोज रिवाइज करती है जानवी के अंदर पोटेंशियल है नीट क्रैक करने का अब पानी को देख लो पानी के अंदर और कुछ नहीं है पानी के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है यानी कि पानी के पास पोटेंशियल है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है कल को ये हाई टू लो मूव कर सकता है तो अगर बेटा वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी ना उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो उसका साई डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा तो वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा तुम यहां पर देखो बेटा ये बीकर है इस बीकर में अभी सिर्फ पानी है तो इस पानी का वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन कल को तुम बेटा इस पानी के अंदर भंग डाल दो क्या डाल दो भांग नहीं बेटा मतलब पानी के अंदर कुछ अनवांटेड सॉल्यूट पार्टिकल डाल दो तो यार वाटर पोटेंशियल कम हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि बीच में काइनेटिक एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए सोल्यूट के पार्टिकल्स आ गए है ना वैसे ही जानवी के प्रिपरेशन को भंग करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं है ना रोशन है शगुफता है ये सब जानवी के प्रेपरेशन को भंग कर रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल एक पानी का मैक्सिमम किसका होता है प्योर वाटर का और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है जीरो जीरो इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल तुम अगर इसमें सॉल्यूट डालोगे तुम इसको भंग करोगे तो वाटर पोटेंशियल कम होगा भैया जीरो से कम होगा तो नेगेटिव में ही जाएगा ना है ना नेगेटिव में जाएगा जितना ज्यादा सॉल्यूट डाला उतना नेगेटिव गया वो जो नेगेटिव गया सॉल्यूट के डालने से वो जो वाटर पोटेंशियल कम हुआ सॉल्यूट के डालने से उसको बोलोगे सॉल्यूट पोटेंशियल ठीक है तो वाटर पोटेंशियल देखो प्योर वाटर का सबसे ज्यादा होता है कितना होता है जीरो जीरो इज द मैक्सिमम वैल्यू ठीक है अगर तुमने उस वाटर बॉडी में सोल्यूट डाला तो पोटेंशियल कम होगा जीरो से कम होगा है ना तो उसको अपने लोग बोल देंगे सोल्यूट पोटेंशियल बोल देंगे अगर तुमने वाटर में सोल्यूट डाल दिया ठीक है अगर तुम सोल्यूट डालते हो तो पोटेंशियल पानी का कम हो जाता है तो नेगेटिव की साइड पे मूव करेगा तो सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है जितना ज्यादा सोल्यूट उतना ज्यादा नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल यस क्लियर चलिए अब आ जाता है बेटा अगला प्रेशर पोटेंशियल क्या आ जाता है, है प्रेशर पोटेंशियल तो सेल क्या हो जाएगा टर्ज हो जाएगा क्या जनरेट करेगा टर्गर प्रेशर जनरेट करेगा ठीक है यस yes. क्या जनरेट करेगा टर्गर प्रेशर जनरेट करेगा तो जब बेटा सेल के अंदर वाटर भर जाता है इट स्टार्ट जनरेटिंग टर्गर प्रेशर क्योंकि बाहर की वॉल पे प्रेशर डालता है उसको अपने लोग बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल तो सेल की टर्जीडिटी पे बेटा ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है सेल की टर्जीडिटी पे यूजुअली क्या होता है पॉजिटिव लेकिन एक एक्सेप्शन है लेकिन बेटा क्या है एक एक्सेप्शन है एंड एक्सेप्शन इज जाइलम जाइलम में जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली क्या होता है पॉजिटिव एक्सेप्शन इज जाइलम लर्न ये बताइए ये तीन चीजें क्या आपको लर्न हुई सॉल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल तो वाटर पोटेंशियल निकालने का एक फॉर्मूला पेपर में पूछा जाता है एंड द फॉर्मूला इज वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल ठीक है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल ये याद कर लो ये चीज याद करने वाली है एज इट इज रिलेशनशिप पूछ लेंगे माइनस लगा देंगे उल्टा कर देंगे इक्वेशन को तो तुम्हें एग्जैक्ट इक्वेशन पता होनी चाहिए ओके okay जी चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा जी ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या है ऑस्मोसिस बेटा एक मूवमेंट है किसकी पानी की पानी की मूवमेंट है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन

प्रॉब्लम कहाँ आती है सेल मेम्ब्रेन क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कुछ सब्सटेंसेस को मना कर देती थी है ठीक है तो ऑस्मोसिस में क्या होगा आपकी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर मूव करेगा देखो ऑस्मोसिस में अपने तीन चीजें कर सकते हैं करा हुआ है रुको मैं बताती हूँ यस yes. यहाँ ध्यान दीजिए देखिए थ्री टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं फोकस करना तीन तरीके के सोल्यूशन हो सकते हैं वन कुड बी हाइपोटोनिक ले लो ले लो हंस लो इट हैपन्स समटाइम यस yes. चलिए तो आइसोटॉनिक हाइपोटॉनिक और क्या होगा हाइपरटोनिक तो ये मैंने मान लीजिए ले लिया हाइपोटॉनिक इधर ले लिया आइसोटॉनिक इधर क्या ले लिया हाइपरटोनिक ले लिया इन तीनों के अंदर मैंने क्या डाल दिया सेल डाल दिया <coughs> क्या डाल दिया बेटा सेल डाल दिया तो अगर बेटा बाहर का मीडियम क्या है हाइपोटॉनिक मतलब इसमें सॉल्ट क्या है कम है सॉल्ट कम है तो मतलब पानी क्या है बेटा ज्यादा है इधर हाइपोटॉनिक में उल्टा है सॉल्ट ज्यादा है तो बाहर पानी क्या है कम है अब इन दोनों पे बेटा फोकस करना इन केस ऑफ हाइपोटॉनिक सोलूशन बाहर पानी ज्यादा है तो पानी विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन तो सेल क्या करेगा वॉटर को गेन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस अंदर की तरफ आएगा पानी जबकि इधर हाइपोटॉनिक में आ जाओ बाहर पानी क्या है कम है अंदर क्या है ज्यादा तो सेल विल लूज वॉटर बाय द प्रोसेस ऑफ बाई द प्रोसेस ऑफ एग्स ऑसमोसिस ये पानी को लूज करेगा जबकि बेटा अगर आइसोटॉनिक में डाल दो तो यार मूवमेंट एग्सो एग्स ऑस्मोसिस भी होती है एंड भी होती है यस yes, लेकिन इनका जो वैल्यू है वो सेम रहता है तो नेट मूवमेंट क्या हो जाती है जीरो हो जाती है ठीक है तो ये है आपकी बेसिक ऑस्मोसिस आई बिलीव आपको इतना पता होगा कि पानी ने मूव करना है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन इतना क्लियर है अब इसको यहां पे ध्यान से देखो यस yes. तो पानी तब तक मूव करेगा बेटा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए अब इसको बेटा ध्यान से देखना इसमें से तुम आंसर दोगे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ लेट मी जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चन इसके बेसिस पे सवाल है ना आपकी एनसीईआरटी में पूछ लू हां जी एनसीईआरटी में इसके बेसिस पर क्वेश्चन है शुड आई आस्क जी ये एक्टिविटी दी हुई है इधर देखिए ये ए मीडियम है ये बी मीडियम है टू चेंबर्स हैं

वाटर पोटेंशियल किसका वाटर पोटेंशियल कम है देख के बताओ कम है बेटा यस yes. देखो वाटर पोटेंशियल होता है द काइनेटिक एनर्जी बाय द सोल्यूशन पानी की कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है जिसमें जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम हो जाएगी ना तो यार ए वाले में पानी के पास ज्यादा पोटेंशियल है मूव करने का बी वाले में पानी के पास पोटेंशियल कम है मूव करने का क्योंकि बीच में अड़ंगा डालने के लिए सोल्यूट प्रेजेंट है तो लोअर वाटर पोटेंशियल किसका प्रेजेंट होगा आपके बी का बात समझ आई किसका होगा लोअर वाटर पोटेंशियल बी का नेक्स्ट है बेटा मेंशन द सोल्यूशन आउट ऑफ ए एंड बी विच हैज लोअर सोल्यूट पोटेंशियल अगला सवाल किसका लोअर सोल्यूट पोटेंशियल है हाँ जी सोल्यूट का पोटेंशियल बताओ किसमें लोअर है ये अच्छा सवाल है किसमें लोअर है बेटा सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है नंबर लाइन है ना मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ते हैं ये जीरो होता है इधर माइनस वन होता है माइनस टू होता है ऐसे माइनस माइनस बढ़ते बढ़ते माइनस टेन हो जाता है जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे उतना नेगेटिव होता जाएगा उतना कम होता जाएगा तो यार लोअर सोल्यूट पोटेंशियल किसका है कम किसका है जिसमें जितना ज्यादा सोल्यूट है तो आंसर हो जाएगा बी जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे उतना वो नेगेटिव दिशा में जाएगा नेगेटिव दिशा में यानी कि कम होता जाता है जिसमें यहां ज्यादा सोल्यूट है ये और नेगेटिव कम होता जा रहा होता जा रहा तो इसका सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया कम हो गया यानी कि क्या मैं ये लिख सकती हूँ सोल्यूट कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूट पोटेंशियल जितना ज्यादा तुम सोल्यूट डालते जाओगे उतना कम आपका सोल्यूट पोटेंशियल होता जाएगा यस yes? क्लियर है ठीक है बात समझ आई चलिए नेक्स्ट सवाल यहां से इन विच डायरेक्शन ऑस्मोसिस अकर्स ऑस्मोसिस बेटा किस दिशा में होगी ए टू बी होगी या बी टू ए होगी ये तो बड़ा आसान है ऑस्मोसिस किस दिशा में होगी यस yes. ऑस्मोसिस किस दिशा में होगी ए टू बी या फिर बी टू ए देखिए ऑस्मोसिस हमेशा किस दिशा में होती है जहां पानी ज्यादा होता है टू द पानी लो होता है क्योंकि पानी ने मूव करना है मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टू लो और हाई टू लो बेटा कौन सा है ए टू बी क्या मैं ये बोल सकती हूँ इट इज द मूवमेंट फ्रॉम द रीजन वेयर वॉटर पोटेंशियल इज हाई टू द रीजन वेयर वॉटर पोटेंशियल इज लो हाई वाटर पोटेंशियल वाले रीजन से पानी कहां जाता है लो वाटर पोटेंशियल वाले रीजन में जाता है यस yes, यस yes, ठीक है अच्छा विच सोल्यूशन हैज हायर सोल्यूट पोटेंशियल अगर तुमसे कोई पूछ ले उल्टा क्वेश्चन हायर सोल्यूट पोटेंशियल किसका होगा नंबर लाइन पे देख लो नंबर लाइन पे देखेंगे सब बच्चे नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे तो हायर सोल्यूट पोटेंशियल यानी कि जीरो के नजदीक जिसमें सोल्यूट कम है सोल्यूट किस में कम है ए में कम है यस yes, ए में कम है बहुत बढ़िया चलो एट इक्विलिब्रियम अगला सवाल है कि तुम पहुंच गए इक्विलिब्रियम पे विच चेंबर हैज लोअर वॉटर पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पे ए और बी में से लो वॉटर पोटेंशियल किसका है लो वाटर पोटेंशियल किसका है बताइए इक्विलिब्रियम पे ए और बी में से इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हो लो वाटर पोटेंशियल किसका है yes. सब बच्चे अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं क्योंकि सब गलत हैं इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए यानी कि अपने ने मामला बराबर कर दिया अब दोनों बराबर पोटेंशियल पे घूम रहे हैं इक्विलिब्रियम पहुंच गया बेटा कोई भी लो नहीं है ठीक है कोई भी लो नहीं है सेम वाटर पोटेंशियल है दोनों का सेम वाटर पोटेंशियल है दोनों का चलिए अब वो बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक का वाटर पोटेंशियल कितना है माइनस टू थाउजेंड किलो पास्कल, दूसरे का वाटर पोटेंशियल इसको डैश कर लेते हैं कितना है माइनस वन थाउजेंड किलो पास्कल, वन थाउजेंड किलो पास्कल। ठीक है पूछा जा रहा है इसमें से हाई वाटर पोटेंशियल कौन सा है हाई वाटर पोटेंशियल कौन सा है यस दो माइनस टू थाउजेंड वाला हाई है या फिर माइनस वन थाउजेंड वाला हाई है वाले yes. वाले का है? 2000 वाले का कि माइनस में यस नंबर लाइन निकाल लो ये रही बेटा तुम्हारे लिए नंबर लाइन है ना ये जीरो होता है ये माइनस वन होता है चलते जाओगे माइनस वन थाउजेंड आ जाएगा चलते जाओगे माइनस थाउजेंड आ जाएगा तो यार लोअर वाटर पोटेंशियल कौन सी वैल्यू है ये low है बेटा yes. ये कौन सी value है बेटा? ये वाली वैल्यू कौन सी है लो वाली, 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 वाली. आपसे क्या पूछा आपसे पूछा है कि यार हाई वाली बता दो हाई वाली कौन सी होगी माइनस वन थाउजेंड क्योंकि यार मैक्सिमम कितना हो सकता है जीरो हो सकता है कम थोड़ा सा करोगे माइनस वन थाउजेंड और कम कर दोगे तो माइनस टू थाउजेंड तो दोनों में से ज्यादा कौन सा है जो जीरो के नजदीक है ना ज्यादा वाला कौन सा है माइनस वन थाउजेंड क्लियर है नंबर लाइन पे देख के आप आंसर निकालेंगे ओके सो विद दिस वी आर डन विद दैट नेक्स्ट चलते हैं अपने लोग हां जी एक एक्सपेरिमेंट पे यस yes, एक एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं बेटा एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ दि, uh, ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है तो क्या कहते हैं बेटा थिसल फनल एक्सपेरिमेंट है इसमें अपने ने बाहर क्या ले लिया पानी ले लिया ऊपर से अपने ने डाल दी है फनल इस फनल के अंदर क्या है सुक्रोज का सोल्यूशन है ठीक है सुक्रोज का सोल्यूशन है तो बहुत सिंपल सी बात है बाहर पानी क्या है ज्यादा है अंदर पानी क्या है कम है तो पानी कहां से कहां मूव करेगा हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ऑस्मोसिस हो जाएगी ठीक है ऑस्मोसिस हो जाएगी ये कह रहे हैं कि ऊपर से मैंने एक थिसल लिया उससे मैंने प्रेशर डालना शुरू किया मैं कितना प्रेशर डालूं कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए मैं कितना प्रेशर डालूं कि ये मूवमेंट रुक जाए दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है मैं कितना प्रेशर डालूं कि ऑस्मोसिस रुक जाए अब यार जितना ज्यादा सोल्यूट का कंसेंट्रेशन होगा सुक्रोज टेन परसेंट है तो एक लेवल का प्रेशर है तुमने सुक्रोज बीस परसेंट कर दी तो यार और ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा ना ऑस्मोसिस को रोकने के लिए तो कह रहे हैं मोर द सोल्यूट कंसेंट्रेशन ग्रेटर द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द डिफ्यूजिंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द डिफ्यूजन ठीक है सो प्रेशर इज अप्लाइड टू स्टॉप द वॉटर मूवमेंट एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर यस इसको क्या बोलते हैं अपने ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने वाला प्रेशर कौन सा है ऑस्मोटिक प्रेशर ओके चलिए तो अब एक तरीके के बेटा ऑस्मोसिस में ही अपने देख रहे हैं ये मैंने तुम्हें हाइपो, हाइपर बेटा आपने सेल को प्लेस किया किस में प्लेस किया बेटा ऐसे एनवायरनमेंट में जिसमें सेल ने पानी लूज करना शुरू किया भैया ऐसा एनवायरनमेंट कौन सा होता है ये देखो अगर ये सेल तुम्हारा पानी लूज करना शुरू कर रहा है यानी कि अंदर पानी क्या था ज्यादा बाहर पानी क्या है कम बाहर पानी कम है यानी कि बाहर का सोल्यूशन क्या है, है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है कैसा है हाइपर टॉनिक सोल्यूशन है तो यार जब भी हाइपर टॉनिक सोल्यूशन होता है ना तो सेल धीरे धीरे क्या करता है श्रिंक करता है सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले बेटा उसके साइटोप्लाज्म में से पानी बाहर जाता है जब साइटोप्लाज्म में से भी चला गया तो वैक्यूल का नंबर आ गया वैक्यूल भी धीरे धीरे पानी देना शुरू कर देता है फिर बेटा धीरे धीरे उसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है श्रिंक हो जाता है तो जब प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाए देखो श्रिंक हो रहा है उस सेल को तुम क्या बोलते हो प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हो और प्लाज्मोलाइज्ड सेल बनता है इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ठीक है यस इससे ऑपोजिट आ जाओ इधर जब सोल्यूशन अपने ने क्या रखा हाइपोटोनिक रखा तो सेल ने पानी को गेन करना शुरू किया सेल क्या कर गया स्वेल कर गया ये देखो सेल कर गया स्वेल देखो अगर सेल के अंदर पानी भर जाएगा तो सेल डालेगा टर्गर प्रेशर यस सेल इस दिशा में डालेगा क्या टर्गर प्रेशर ठीक है यही प्रेशर पोटेंशियल है यही टर्गर प्रेशर क्या है प्रेशर पोटेंशियल क्या सेल फट जाता है बताओ सेल टर्गर प्रेशर डाल रहा है वॉल पे क्या फट जाता है नहीं फटता क्यों क्योंकि इसके जस्ट ऑपोजिट सेल वॉल भी प्रेशर डालती है जिसको बोलते हैं वॉल प्रेशर तो टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर जस्ट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट ओरिएंटेशन इज ऑपोजिट इसी वजह से सेल फटता नहीं है प्लांट सेल फटता नहीं है वो क्या हो जाता है टर्जिड हो जाता है यस yes, बेटा वो क्या हो जाता है टर्जिड हो जाता है अब अगर तुमने सेल को रख दिया किस में आइसोटोनिक में तो यार जितना मूवमेंट बाहर हो रहा है उतना ही मूवमेंट अंदर हो जाएगा तो सेल का साइज चेंज नहीं होगा दैट सेल इज कॉल्ड एज फ्लैक्सेड तो याद रखेंगे हाइपरटोनिक में डाल रहे हो तो प्लाज्मोलाइज्ड पिचक गया अगर तुमने हाइपोटोनिक में डाला तो टर्जेड यार अगर एक बारी सेल प्लाज्मोलाइज हो गया क्या ये रिवर्सिबल है क्या इसको ठीक कर सकते हो दोबारा इसके अंदर पानी भेज सकते हो हाँ जी बेटा ये प्रोसेस क्या है तुम्हारा रिवर्सेबल है इसको अगर तुम्हें रिवर्स करना है तो सेल को बेटा हाइपरटोनिक से उठाकर हाइपोटॉनिक में डाल दो किस में डाल दो हाइपोटोनिक में डाल दो तो मामला ठीक हो जाएगा ठीक है तो मामला फिर से ठीक हो जाएगा ओके

तुमने अभी रेनी सीजन आएगा जुलाई में जब तुम्हारे पेपर होंगे ना तब रेनी सीजन आएगा तब लकड़ी के दरवाजे ना फूल जाएंगे लकड़ी के दरवाजे क्या करेंगे फूल जाएंगे क्योंकि पानी को एबजॉर्ब कर लेते हैं अपने ऊपर ले लेते हैं यस तो जब सॉलिड सब्सटेंस बेटा वाटर को एब्जॉर्ब कर ले ठीक है थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाए वॉल्यूम बढ़ जाए ठीक है दिस इज कॉल्ड एज इनवाइबिशन इम्बाइबिशन कैसे होगा अलॉन्ग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा फाइकोकोलॉइड में सबसे ज्यादा होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल बताइए एग्जाम्पल ये है दैट इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड सीड के अंदर बेटा बहुत सारे पानी का क्या होता है इम्बाइबिशन हो जाता है ठीक है अल्टीमेटली सीड क्या करता है वहां से ओपन होके जर्मिनेट कर जाता है ठीक है एग्जाम्पल वुड ठीक है ये जो आपकी लकड़ी के दरवाजे हैं ये भी पानी को क्या करते हैं इम्बाइब कर लेते हैं यस yes, इम्बाइब कर लेते हैं सीड दिस इज इम्बाइबिशन ओके यस इम्बाइबिशन तो सीड जर्मिनेशन भी किसकी वजह से हुआ इसी ही वजह से हुआ अब बेटा आता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जिसमें अपने किसको यूज करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम को यूज करेंगे किसको यूज करेंगे वास्कुलर सिस्टम को यूज करेंगे छोटा छोटा ट्रांसपोर्ट तो डिफ्यूजन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से हो सकता है बट मास में जब कुछ मूव करना होता है तो बेटा डिफ्यूजन सफिशेंट नहीं है क्यों क्योंकि यार डिफ्यूजन बहुत ही स्लो मूवमेंट है उस स्लोनेस से काम नहीं किया जा सकता अपने को फास्ट मूवमेंट चाहिए जो होगा जाइलम फ्लोएम की मदद से ठीक है सो बल्क मूवमेंट होगा बेटा इसमें ठीक है बहुत सारे सब्सटेंसेस जब इकट्ठे मूव करते इसको हैं इसको बोलते हैं बल्क मूवमेंट एंड बल्क मूवमेंट होता है वाया जाइलम एंड फ्लोएम ठीक है दो तरीके का हो सकता है ड्यू टू पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एज इन द केस ऑफ गार्डन होस और द नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एज इन द केस ऑफ स्ट्रॉ सक्शन दोनों यूज करेंगे यार पॉजिटिव प्रेशर एज वेल एज नेगेटिव प्रेशर जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर मिनरल सॉल्ट कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हॉर्मोन्स और जाइलम का ट्रांसपोर्ट क्या है यूनी डायरेक्शनल है ठीक है क्योंकि पानी मूव करेगा फ्रॉम रूट सिस्टम टू शूट सिस्टम रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जबकि इधर आओ फ्लोएम पे ये yes. किस पे आ जाइए फ्लोएम पे आ जाइए फ्लोएम पे आ जाएंगे तो यार ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि शुगर का ट्रांसपोर्ट है कहाँ से पत्तियां जो खाना बनाती हैं फूड बनाती हैं है, है ना उन्होंने ग्लूकोज बनाया फिर उसको सुक्रोज में कन्वर्ट किया फिर ट्रांसपोर्ट किया बेटा लीव्स ने नीचे भी भेजना है नीचे स्टोर कर लेंगे स्टोरेज ऑर्गन है फिर स्टोरेज ऑर्गन इसको ऊपर भी भेज देंगे यानी कि लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट ये जो ट्रांसपोर्ट है ये होगा मल्टी डायरेक्शनल कैसा होगा मल्टी डायरेक्शनल ओके चलिए शुरू करें हां जी सबसे पहले आ जाता है पानी का पानी को कहां से कहां भेजना है नेम द स्ट्रक्चर इन द प्लांट जो पानी को एब्जॉर्ब करेगा देखो पानी है सॉइल में सॉइल में प्लांट की रूट्स हैं रूट में जो बाहर आता हुआ हिस्सा है ना यस yes, रूट का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे जब हम सेक्शन देखेंगे तो सबसे बाहर हमें क्या मिलेगा रूट हेयर मिलेंगे तो रूट हेयर आर द था वन विच विल एब्जॉर्ब वाटर ऐसा क्यों? क्योंकि यार जब लंगे लंगे बाल होंगे, तो वो सरफेस एरिया को क्या कर देंगे बढ़ा देंगे सरफेस एरिया विल इंक्रीज, तो रूट हेयर से बेटा वाटर और मिनरल क्या होगा अंदर आ जाएगा वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आएगा फिर रूट हेयर से आगे कॉटेक्स कॉर्टेक्स से आगे एंडोडरमेस उसके बाद आगे के हिस्से में जाएगा तो रूट लेयर्स ने आगे इस पानी को भेजना है कहाँ कहाँ भेजना है रूट हेयर से पहले जाएगा एपिडर्मिस एपिडर्मिस से जाएगा कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स से जाएगा एंडोडर्मिस देन जाएगा पेरिसाइकल और देन जाएगा ट्राइलम देखो जाइलम ने ना पानी नीचे से ऊपर भेजना है लेकिन जाइलम तक पहुंचाओ तो सर जाइलम तक कौन लेकर जाएगा जाइलम तक बेटा पानी लेकर जाएंगे सारी लेयर्स अब दो तरीके का ट्रांसपोर्ट है पहले का नाम है एपोप्लास्ट, दूसरे का नाम है सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट जो पानी का ट्रांसपोर्ट है वो नॉन लिविंग पार्ट से कहाँ से है ये देखो यहां से ये सेल वॉल और एक्स्ट्रा सेलर स्पेस देख रहे हो यहां से सेल वॉल और एक्स्ट्रा सेलर स्पेस से दिस इज एपोप्लास्ट तो रूट हेयर से एपिडर्मिस एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स और यहां तक पहुंच गए एंडोडर्मिस रस्ते में रस्त रुकावट आ गया रुकावट क्या आ गया कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गया अब कैस्पेरियन स्ट्रिप से आगे अपने क्रॉस नहीं कर सकते इम परवियस टू वॉटर है तो अब इस पानी को बेटा अंदर आना पड़ा सेल के अंदर आना पड़ा लिविंग पार्ट में आना पड़ा लिविंग पार्ट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होता है सिम्प्लास्ट समझे एपो मतलब कोनों कोनों से जा रहा है सेल वॉल और इंटरसेलर स्पेस से जा रहा है ठीक है आसान है कोई इसको रुकावट ही नहीं आएगी फास्ट हो जाएगा लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट सेल के बीच में से होने लग जाए है ना यहाँ पे बीच में से होने लग जाए इसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट इस पर रुकावट आएंगी क्योंकि सेल में 500 चीजें और है और गनली है ये स्लो हो जाएगा ठीक है एंड देन अल्टीमेटली पहुंच जाएगा जायलम तक ओके तो एपोप्लास्ट Cell wall के के से cross नहीं कर सकता. Movement. Cell wall के बीच में होगा सेल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है डिपेंडेंट अपॉन द हाई टू लो कंसेंट्रेशन जाएगा कोई भी बैरियर नहीं है तो ये आसानी से हो जाएगा ठीक है यस yes, आसानी से हो जाएगा अगला कौन सा आता है बेटा तुम्हारा सिम्प्लास्ट सिम्प्लास्ट होता है सेल के बीच में से निकल के जाना इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मो डेस्मेटा के थ्रू सेल मेम्ब्रेन भी इसमें आ रही है ये स्लो है क्योंकि सेल के अंदर बहुत रुकावटें हैं ठीक है एंड डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक चलिए तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कहां से कहां तक एपोप्लास्ट है कहां से कहां तक सिम है तो यार यहां से चले यहां से चले ये सिम अंदर जा रहा है ये देखो ये सारा सिम अंदर के थ्रू जा रहा है राइट right, सेल के अंदर क्रॉस कर रहा है जब किधर देखो बाहर बाहर से सेल वॉल और एक्स्ट्रा सेलर स्पेस के थ्रू कौन सा हो रहा है एपोप्लास्टिक लेकिन जब रस्ते बेटा जहां कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई उसके आगे एपोप्लास्टिक मूवमेंट बंद उसके आगे सिर्फ कौन सा मूवमेंट होगा सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होगा येस yes, बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है बेटा इसके आगे कौन सा मूवमेंट होगा आपका सिर्फ सिम्प्लास्टिक होगा क्योंकि वहां पर फिर हम पानी को बाहर से नहीं भेज पाएंगे ओके जी, चलिए तो ये हो गया दो तरीके का मूवमेंट। बेटा एक एसोसिएशन सिम्बायोस हमने पढ़ा था आ, अपने इकोलॉजी में कि जो रूट्स हैं बेटा प्लांट की वो किससे किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है फंजाई के साथ मदद क्या होती है बेटा फंजाई को मिल जाता है बना बनाया खाना और ऊपर प्लांट को मिल जाता है एब्जॉर्प्शन ठीक है तो फंगस क्या करती है फंगस हेल्प करती है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में और प्लांट उसको क्या देता है शुगर देता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देता है राइट दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट दिस इज कॉल्ड एज माइको क्या बोलते हैं बेटा इसको माइको सो so यहां पर आपको दिखाया हुआ है माइकोराइजियल फंगल एसोसिएशन चलिए अब मूवमेंट कर लें पानी को अपने ने कहां तक पहुंचा दिया ज़ाइलम तक पहुंचा दिया अब ज़ाइलम ऑफ़ द रूट से पानी भेजना है, ज़ाइलम ऑफ़ द शूट ज़ाइलम ऑफ़ द शूट से पानी भेजना है ज़ाइलम ऑफ़ द लीफ अब ज़ाइलम के थ्रू पानी को ट्रांसपोर्ट करना है इतना पता चला बेटा yes, बता दो फटाफट से कम ऑन कम ऑन जाइलम तक अपने ने भेज दिया यहां तक पता चला एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की मदद से ऑर्डर याद रखेंगे रूट है और एपिडरमिसमिसाइकल ठीक है अपटिल एंडोडर्मिस उसके बाद अपने को सिम्प्लास्ट यूज करना पड़ेगा देन पहुंचेगा जाइलम ऑफ द रूट में ठीक है चलिए सो so, अब अपने को जाइलम में पानी भेजना है किस वजह से भेजेंगे एक प्रेशर है जिसका नाम है रूट प्रेशर वॉटर विल फ्लो एंड इंक्रीज द प्रेशर इन जाइलम देयर इज अ पॉजिटिव रूट प्रेशर होगा क्या बेटा

रूट प्रेशर क्या हो रहा है कि नीचे से आपको एक पॉजिटिव प्रेशर मिल रहा है कि रूट्स ने बेटा पानी को क्या कर लिया है एब्जॉर्ब कर लिया है जो रूट एयर्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करके बैठे ठीक है तो यहां से एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है जो पानी को ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है साथ ही में छोटे प्लांट्स में तो बेटा रूट प्रेशर बहुत है छोटे हाइट वाले प्लांट्स है ना उसमें से रूट प्रेशर से कि पानी भरता जा रहा है तो हाई टू लो जाएगा रूट में हाई हो गया शूट में लो है तो हाई टू लो चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर प्लांट बहुत लंबा हो जाए तो अकेला ये रूट प्रेशर सफिशेंट नहीं है फिर हमें एक पुल भी चाहिए जो पानी को और ऊपर तक खींचे वो जैसे स्ट्रॉबेरी होता बेटा खींचते हैं दैट पुल इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेशन पुल कि जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं जो एरियल पार्ट्स हैं वो पानी को लूज करेंगे एक पुल क्रिएट होगा जिससे पानी कहाँ जाएगा सक्शन की तरह होते हुए ऊपर वाले हिस्सों में चला जाएगा यस yes, अब कोई कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बेटा जो बहुत ही ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं मतलब

हाइडा के थ्रू किसके थ्रू होता है बेटा हाइडा थोट्स के थ्रू यस क्लियर है तो गट्टेशन बेटा यूजुअली कब देखी जाती है नाइट में एंड अर्ली मॉर्निंग ठीक है जब रूट प्रेशर बहुत हाई होता है पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करके बैठे हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं इवेपोरेशन लो है ठीक है तो टिप में से पानी निकलेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइडा थोट्स यहां पे देखो हाँ जी रूट प्रेशर की वजह से धीरे धीरे पानी का लेवल बेटा क्या होता जा रहा है इंक्रीज होता जा रहा है Root, root के पानी होगा, करेगा और ऊपर तो है किसकी जरूरत है ट्रांसपिरेशन पुल की भी जरूरत है, है? भी है। तो ट्रांसपिरेशन होगी वॉटर वेपर की फॉर्म में लॉस होगा एक पुल क्रिएट होगा इस पुल की वजह से बेटा आपके वॉटर को और ऊपर जाने का मौका मिलेगा तो अधन कोहेजन विल मेक द कॉलम ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल और ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा यस सो दिस इज टेंशन मॉडल ऑफ द ट्रांसपेरेशन पुल मॉडल इसको एक बार यहां से रीड भी करा देती हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है डोंट वरी सब समझ आएगा एक सेकेंड दो मुझे ये देख लिया हमने ये देख लिया ये देखना हमने तो एक बार बेटा मैं यहां से लाइन पढ़ रही हूँ तुम इसको समझना राइट सो द आयन्स फ्रॉम द सॉयल आर एक्टिवली एब्जॉर्ब इस पर फोकस करेंगे बेटा आयन्स का एब्जॉर्ब्शन ए टी पी को यूज करके होगा ठीक है इन टू द वास्कुलर टिश्यू आयन्स आए ए टी पी यूज करके अंदर घुस गए जायलम में वॉटर फॉलोज एंड इंक्रीजेज द प्रेशर इन साइड दर इसके अंदर आयन घुस गए हैं ठीक है तो अंदर का वाटर कंटेंट क्या हो गया कम हो गया तो वाटर कंटेंट कम हो गया तो फटाफट से यहां पर वाटर भी इसको फॉलो करेगा और ज़ाइलम में क्या भर जाएगा वाटर भर जाएगा दिस इज द पॉजिटिव प्रेशर ये कैसा है बेटा पॉजिटिव प्रेशर और इसको क्या बोलेंगे रूट प्रेशर ठीक है यस रूट प्रेशर समझ आया पहले इसने आयंस भर लिए एटीपी यूज करके अब आयंस भर लिए तो पानी कम हो गया तो ये पानी को खींचेगा राइट right?

फेज में निकलता है जब बहुत ज्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी है उसको बोलते हैं ठीक है रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड अ मॉडेस्ट पुश थोड़ा सा पुष्पिटर रूट प्रेशर दे सकता है दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन टॉल ट्रीज बड़े ट्रीज में अकेले रूट प्रेशर से काम नहीं बन पाएगा द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रूट प्रेशर इज टू री एस्टेब्लिश द कॉन्टीन्यूअस चेन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल इन दायलम विच ऑफ्टन ब्रेक्स ड्यू टू इनॉर्मस टेंशन क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रूट प्रेशर का क्या है कि यार ये उस मोमेंटम को maintain करने में हेल्प करती है तो कई ना से वो momentum हो जाता है उस मोमेंटम प्रेशर तो चाहिए रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट मोस्ट वाटर विल मूव विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपिरेशन पुल यस ट्रांसपिरेशन पुल समझ आया चलिए अब आता है ट्रांसपिरेशन पुल डिस्पाइट द एबसेंस ऑफ द हार्ट और द सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट्स अपवर्ड फ्लो पॉसिबल है देख रहे हो एंटी ग्रेविटी चल रहा है मामला एंटीग्रेविटी है कोई हार्ट नहीं है कोई कुछ नहीं है, है ना ये कैसे चल रहा है अप टू फिफ्टीन मीटर्स पर आवर हाउ इज दिस पॉसिबल यस, वेदर द वॉटर इज पुश्ड और पुल थ्रू द प्लांट्स मोस्ट रिसर्चर अग्री दैट द वॉटर इज मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट ये पुल है बेटा खींचा जा रहा है जैसे हम कुएं में से पानी नहीं निकालते वैसे ट्रांसपिरेशन ऊपर पानी को खींच रहा है दिस इज ट्रांसपीरेशन पुल एंड इट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोसेस इन द लीव्स ठीक है इसका ड्राइविंग फोर्स कौन है ट्रांसपिरेशन दिस इज रेफर टू एज कोहिजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल ऑफ मॉडल ऑफ वाटर ठीक है तुम समझ रहे हो? इतना ज़्यादा पानी ऊपर गया सिर्फ एक परसेंट अपने फोटोसिंथेसिस में यूज किया बाकी सब तो ट्रांसपायर कर दिया है ना उड़ा दिया राइट right ही तुम, तुमने उड़ा दिया तो ये जो बेटा आप पढ़ रहे हैं जिस वजह से तुमने उड़ाया है दिस इज द वन विच क्रिएट्स पुल ठीक है इसको अपने लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल कोहिजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट समझ आया छोटे प्लांट्स में पॉजिटिव प्रेशर द रूट प्रेशर जो पानी को पुश कर रहा है बड़े प्लांट्स में इसके एडिशन इन एडिशन टू रूट प्रेशर हमें एक पुल वाला प्रेशर चाहिए जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल अब आता है बेटा ट्रांसपिरेशन ये हमने वैसे पढ़ लिया है इट इज अ लॉस ऑफ वाटर बाय द स्टोमेटा ठीक है तो स्टोमेटा का दो फंक्शन आ जाता है एक आता है ट्रांसपेरेशन दूसरा आता है गैसेस का एक्सचेंज भी कहां से होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है यूजुअली बेटा दिन के वक्त स्टोमेटा क्या होते हैं खुले होते हैं रात के वक्त क्या होते हैं क्लोज हो जाते हैं स्टोमेटा की और ओपनिंग और क्लोजिंग देखो और डायकॉट में अलग अलग शेप का स्टोमेटा होता है बिकॉज अलग अलग शेप का गार्ड सेल होता है डायकॉट में गार्ड सेल इज योर किडनी शेप्ड मोनोकॉर्ब इट इज डम्बल शेप्ड ठीक है बिकॉज ऑफ द टर्जिडिटी एंड लॉस ऑफ टर्जिडिटी इन द गार्ड सेल पानी या तो अंदर आता है या फिर पानी बाहर जाता है ठीक है तो जब ओपन होता है बेटा स्टोमेटा ओपनिंग कैसे होती है स्टोमेटा की गार्ड सेल क्या करते हैं पानी को गेन करते हैं क्या करते हैं बेटा पानी को गेन करते हैं और क्या बन जाएंगे टर्गर बन जाएंगे जैसे ही गार्ड सेल बेटा मोटे से हो जाएंगे बीच में पोर हो जाएगा दैट इज टॉमेटल पोर जिसके थ्रू पानी भी लूज होगा और गैशेज एक्सचेंज भी होगा ठीक है यस क्रिसेंट शेप और जब बेटा गार्ड सेल पानी को लूज करेंगे ये देखो यहां पर इन्होंने पानी को गेन करा हुआ है जिसकी वजह से बीच में पोर खुल गया है यहां पर बेटा ये क्या कर रहे हैं पानी को लूज कर रहे हैं लूज कर रहे हैं तो बीच का पोर क्या हो गया है एक तरीके से बंद हो गया है ठीक है यस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ फंक्शन ऑफ कार्ड सेल ठीक है वेन दे विल लूज द टर्गर प्रेशर दे विल बिकम ओरिजिनल शेप्ड एंड गार्ड सेल विल बिकम पिचक जाएगा क्लोज आ जाएगा और पोर क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा ओके बेटा यस जी तो डाइकॉट और मोनोकॉट में देख लो डायकॉट में देखो तो वेंट्रल है ना मोनोकॉट में आइसोबाइलेट्रल मोर स्ट्रोमेटा ऑन द लोअर सरफेस और मोनोकॉट में इक्वल स्ट्रोमेटा ऑन द बोथ साइड

प्लांट वॉटर स्टेटस एंड दिन ओपी स्ट्रक्चर अगर बेटा हुआ प्लांट है तो स्टोमेटा को जगह ही नहीं मिल रही है लॉस करने की ठीक है तो दीज आर सर्टन फैक्टर्स जिसमें आपका ट्रांसपीरेशन जो है वो अफेक्टेड होगा राइट right? तो ट्रांसपीरेशन के बारे में हमने देखा कि पानी कैसे ऊपर की तरफ जाता है जायलम के थ्रू दिस इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप अब ये क्या 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 चीज़ है? But it is dependent upon the cohesion. Cohesion क्या है? Mutual attraction between the water molecule. क्या है? होता यानी कि के surface से कितना वॉटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड है एंड टेंशन वॉटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड इन द लिक्विड मोर देन इन द गैस ये तीन चीजें ये तीन चीजें बेटा क्या देती हैं? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ताकि पानी आसानी से ऊपर जा पाए एंड हाई कैपिलैरिटी थ्रू द ट्रैकिड थ्रू द एलिमेंट तभी तो उसका नाम था कोहीजन एडिशन टेंशन पुल थ्यूरी ठीक है तो कोहिजन क्या है पानी के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कितना अट्रैक्शन है एडिशन क्या है कि पानी का मॉलिक्यूल इस ट्रैकिड की वॉल से कितना अट्रैक्टेड है और सरफेस टेंशन क्या है वॉटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड इन द लिक्विड मोर देन इन द गैस यस कोहिजन एडिशन एंड सरफेस टेंशन तो जाइलम के बीच में बेटा क्या हो रही है पानी और पानी मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रही है जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं कोहिजन बोलते हैं राइट right, बेटा चलिए सो दिस यू कैन सी कि पानी किस तरीके से बेटा मूव कर रहा है यस वॉटर मूवमेंट इन लीफ ेशन फ्रॉम द लीव विल सेट अप द प्रेशर ग्रेडियंट ठीक है क्योंकि ट्रांसपिशन होगी तो प्रेशर ग्रेडियंट होगा एंड द ग्रेडियंट इज ट्रांसमिटेड इन टू द फोटो सिंथेटिक सेल्स ऑन द वॉटर फिल्डम तो धीरे धीरे जायलम के थ्रू पानी ऊपर 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 जाता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे लीवस में से गायब हो रहे हैं हाई टू लो हाई टू लो एंड हाई टू लो येस पता चल गया ट्रांसपिरेशन तो ट्रांसपिरेशन से बेटा क्या क्या मदद हो रही है ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एक तरीके का क्या है कॉम्प्रोमाइज़ है क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू बेटा पुल क्रिएट हो रहा है इस पुल के थ्रू ही मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है फोटोसिथिसिस के थ्रू ठीक है मेंटेन्स द शेप एंड द स्ट्रक्चर पानी का लॉस होगा तो आसानी से शेप मेंटेन हो पाएगी जहां वेपोरेशन होती है वहां पर सर्फेस भी क्या होता है कूल होता है ठीक है अगर पानी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो सारा का सारा पानी किस में चला जाएगा ट्रांसपिरेशन में भी क्या लॉस होगा तो yes, तो तो एक बार इसको से देख 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 लो. ये 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 हमने 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 पढ़ लिया. 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 भी भी रहे हैं. ठीक so, है सप्लाइज द वॉटर फोटोसिंथेसिस को भी पानी transpiration के थ्रू ही जाएगा ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द अदर पार्ट्स क्योंकि पानी आ रहा है तो मिनरल को लेके आ रहा है कूल cool करेगा क्योंकि वेपोरेशन हो रही है और शेप को भी मेंटेन करेगा। डिप्लीटेड बाय द ट्रांसपिरेशन समझ रहे हो कि एक जो प्लांट जो कि एक्टिव है उसको पानी की बहुत रिक्वायरमेंट तो वाटर इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस ठीक है और ट्रांसपिरेशन से ये पानी स्विफ्टली डिप्लीट भी हो जाता है ह्यूमिडिटी ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज लार्जली ड्यू टू देशन रेन फॉर जो ह्यूमिडिटी है मिनरल okay आइंस किस पे आ जाएंगे अपटेक ऑफ मिनरल आइंस ये बात समझ आई यस कम ऑन गाइस टाइल मी डिड यू गेट दिस पानी के ट्रांसपोर्ट के बारे में पता चला को एंड द पुल theory सोना वोना पूरा हो गया हो तो बेटा आगे बढ़े ठीक है ठीक है लिख दिया यस yes. क्लियर है चलिए अब ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा शुगर्स का ठीक है किसका ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्लोएम के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करेंगे किसका शुगर का सो अपटेक एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोएम से पहले बेटा मिनरल आयन भी देख लेते हैं पानी जा रहा है तो साथ में मिनरल भी जा रहे हैं तो प्लांट बेटा क्या करता है पहले मैं यहाँ से पढ़ती हूँ फिर वहां पे दिखाती हूँ ठीक है अपटेक ऑफ द मिनरल आयन अनलाइक वाटर ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ठीक है सारे मिनरल्स बेटा पैसिव तो नहीं है दो फैक्टर है चार्ज पार्टिकल तो, तो वैसे ही आसानी से नहीं जाएगा विच नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेमब्रेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द मिनरल इन द सॉइल इज यूजली लोअर देन द कंसनट्रेशन इन द रूट ये बेटा तुम्हारी रूट है रूट के अंदर मिनरल आयन क्या है ज्यादा है और सॉइल के अंदर क्या है कम है तो कैसे मिनरल आयन को पहचाना जाए पहुंचाया जाए देर फोर मोस्ट मिनरल आयन एंटर्स बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन देखो लो कंसेंट्रेशन टू हाई भेजना है तो आपको कैसा एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा एक्टिव एब्जॉर्न करना पड़ेगा मिनरल आयंस का पानी का तो बेटा पैसिवली हो जाता है मिनरल आयंस का एक्टिव इन टू द साइटोप्लाजम ऑफ द एपिडर्मल सेल दिस नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म दफ एपी द एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉटर पोटेंशियल क्रिएटेड इन द रूट ठीक है तो जो रूट सेल्स का वाटर पोटेंशियल है वो किस वजह से इन आयंस की वजह से ही है द अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस सम आयंस मूव अक्रॉस द एपिडर्मल सेल पैसिवली तो मोस्टली जो आयंस हैं जो मिनरल्स हैं वो आय के फॉर्म में है तो एक्टिव एब्जॉर्ब करते हैं कुछ का क्या हो सकता है पैसिव भी हो सकता है तो आयंस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द दॉय बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये बात समझ आई मोस्टली एक्टिव है लेकिन कुछ पैसिव भी है स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द मेब्रेन ऑफ द रूट हेयर सेल एक्टिवली पंप आयन फ्रॉम सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल डाल दिया बेटा कुछ प्रोटीन्स हैं रूट हेयर में मैमब्रेन में जो एनर्जी को यूज करके आपके मिनरल आयन्स को अंदर डाल देते हैं Right? Like all cells, the endodermal cells have many transport proteins embedded in the plasma membrane. They let some solutes cross the membrane but not the others.

आयंस इन ओनली वन डायरेक्शन तो आयंस का भी जो ट्रांसपोर्ट है बेटा वो किस डायरेक्शन में होगा सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा तो अब आयंस उठ के सॉइल से कहां पर आ गए हैं सॉइल से बेटा कहां पर आ गए है? आपके आयंस आ चुके हैं रूट सेल में हाँ जी आगे आफ्टर द cell से कहां पहुंच गए Epidermis, endodermis and ultimately xylem. से अपने को इसको ऊपर भेजना है थ्रू द एक्टिव और passive ट्रांसपोर्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू देर फर्दर अपटेक टू द स्टेम और टू द ऑल पार्ट प्लांट इज थ्रू दर द ट्रांसपेर स्ट्रीम तो अब इनको ऊपर जाना है किसकी हेल्प से जाएंगे ट्रांसपेरेशन स्ट्रीम की हेल्प से द चीफ सिंक फॉर द मिनरल आयन आर द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट सच एज एपिकल एंड द लेटरल मेरेस्टामीव डेवलपिंग फ्लावर्स फ्रूट सीड स्टोरेज ऑर्गन समझ रहे हो एक होता है सोर्स जहाँ से सामान चलता है सिंक जो सामान को यूज करता है तो मिनरल आयंस कौन यूज करेगा सिंक कौन है उसका बेटा जो ग्रोइंग रीजन है जिसको अभी एनर्जी चाहिए जिसको अभी ग्रो करना है यंग स्टेम है डेवलपिंग फ्लावर्स हैं फ्रूट्स हैं वो क्या है सिंक है इसका तो सोर्स टू सिंक अनलोडिंग ऑफ द मिनरल आयन अकर एट द फाइन वेन एंडिंग थ्रू द डिफ्यूजन एंड द एक्टिव अपटेक बाई द सेल फिर क्या होगी बेटा अनलोडिंग होगी कैसे होगी डिफ्यूजन और वहाँ के जो सिंक वाले सेल्स हैं वो उसको ले लेंगे एक्टिवली ओके सो मिनरल आइन्स आर फ्रिक्वेंटली रीमोबलाइज पर्टिकुलरली वो कंगन वाली बात आ गई बेटा कि जो कंगन है वो पर दादी किसको दे देंगी नई बहू को दे देंगी वैसे ही है बेटा मिनरल आइन्स में ओल्ड एजिंग पार्ट से जाएंगे न्यू यंग पार्ट्स पे ठीक है किसके पास चले जाएंगे यंग पार्ट्स पे चले जाएंगे तो एलिमेंट्स मोस्टली रेडिली मोबिलाइज आर फॉस्फोरस जो जाते हैं बेटा ओल्ड टू यंग पार्ट्स सल्फर है नाइट्रोजन है पोटेशियम है सम एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेट लाइक कैल्शियम आर नॉट रिमोबलाइज तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कौन से कंगन जाएंगे और कौन से कंगन नहीं जाएंगे तो फॉस्फोरस सल्फर नाइट्रोजन ये सब मोबिलाइज हो जाते हैं फ्रॉम द एजिंग टू द यंग पार्ट बाकी जो कैल्शियम है वो उसका स्ट्रक्चरल पार्ट है वो मोबिलाइज नहीं होता है ठीक है यस एन एनालिसिस ऑफ 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 जाइलम शो दैट दो सम द द नाइट्रोजन एज इनऑर्गेनिक मोस्ट इज एनाल आउट एज ऑर्गेनिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ माइनो एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड देखो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक से ज्यादा या माइनो एसिड की फॉर्म में जाता है सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर आर कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड मिनरल न्यूट्रिशन में वैसे हमने कल करना है इन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल मटीरियल टेक प्लेस बिटवीन जायलम एंड फ्लोयम हेन्स इट इज नॉट दैट वी क्लियरली मेक अ डिस्टिंक्शन एंड दैट दैटम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिय वाइल फ्लोएम ऑर्गेनिक ठीक है पहले माना जाता था कि जाइलम सिर्फ और, इनऑर्गेनिक को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम ऑर्गेनिक जबकि अभी एक सही नहीं है क्योंकि देखो नाइट्रोजन है सल्फर है फॉस्फोरस है ये ऑर्गेनिक फॉर्म में भी तो ट्रांसपोर्ट होते हैं है ना जैसे अभी हमने देखा नाइट्रोजन अमाइनो एसिड की फॉर्म में हो रहा है थ्रू जाइलम हो रहा है तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि जाइलम के थ्रू सिर्फ इनऑर्गेनिक फॉर्म में होगा ना जाइलम के थ्रू ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकता है तो ये पुराना व्यू था अभी पुराना हो चुका है नए व्यू के अकॉर्डिंग जाइलम के अकॉर्डिंग मेनली इनऑर्गेनिक बट ऑर्गेनिक भी हो सकता है ओके जी चलिए लास्ट आ जाता है बेटा फ्लोयम का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां करना है फ्रॉम सोर्स टू सिंक सोर्स यानी कि जहां बन रहा है कहां बन रहा है खाना बन रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज बन रहा है लीव्स में ग्रीन पार्ट्स में जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है भेजना कहा है हर जगह भेजना है रूट्स में भेजना है बाकी के स्टेम में भेजना है जहां भी ग्रोइंग रीजन है हर जगह भेजना है तो सोर्स टू सिंक ट्रांसपोर्ट अपने ने करना है क्या भेजना है बेटा फूड भेजना है प्राइमरिली सुक्रोज डाई की फॉर्म में बेटा ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्टेड बाय द वैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम तो फ्लोएम के थ्रू आपका शुगर यानी कि ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसपोर्ट होगा ज़ाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स यूजुअली सोर्स सोर्स क्या होगा बेटा जहां पर बन रहा है हां जी सोर्स इज अंडरस्टूड टू तो बी दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच सिंथेसाइजेस द फूड दैट इज द लीफ ठीक है खाना कहां बन रहा है लीफ में बन रहा है क्योंकि लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही है और सिंक वो है जो इसको जरूरत है जो यूज कर रहा है या फिर इसको क्या कर रहा है स्टोर करके रखता है रख रहा है बट द द सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स डिपेंडिंग अपॉन द सीजन बिल्कुल यार उल्टा हो सकता है आज के टाइम पे कहीं प्लांट बना हुआ है लेट मी जस्ट शो द प्लांट हां जी इस प्लांट को देखो तुम इस प्लांट को देखो जब तक तो बेटा प्रॉपर सीजन है धूप निकल रही है तब तक ये जो पार्ट है ये क्या है अपना सोर्स है यहाँ पे शुगर बन रही है और हम किसको भेज रहे हैं रूट्स को भेज रहे हैं जो कि क्या है अपना सिंक है बाकी सारा पार्ट क्या है सिंक बट कल को पतझड़ हो जाए सारे पत्ते चले जाए तो यार तब ये रूट्स क्या बन जाएंगी सोर्स क्योंकि ये स्टोर करके बैठी है और ऊपर अपने जहां भेजेंगे वो क्या बन जाएगा सिंक बन जाएगा तो इट इज नॉट सेम हमेशा नहीं होता कि पत्ती ही सोर्स है कल को रूट भी क्या हो सकता है सोर्स हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन है ना चलिए अगली लाइन क्या कह रहे हैं शुगर स्टोर्ड इन रूट में भी मोबिलाईज फूड इन द अर्ली स्प्रिंग वेन द बड्स ऑफ द ट्री एक्ट एज सिंक। बिल्कुल सही है यार जब कल को सिंक क्या हो जाए बेटा आपके बर्ड्स हो जाएं और जो शुगर है वो कहां पर है रूट में स्टोर हुई है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा दे नीड एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फोटो एपरेटस सिंस द सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल जरूरी नहीं है कि बेटा लीफ ही सोर्स होगा इट कुड बी शुगर ऑल्सो इट कुड बी रूट ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट कुड बी अपवर्ड और डाउनवर्ड तो ये बन जाएगा बाई डायरेक्शनल है ना जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट था वो क्या था यूनिक रूट टू शूट नेवर फ्रॉम शूट टू रूट यहाँ पे दोनों साइड पे हो सकता है हेंस अनलाइक वन वे फ्लो इन 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 द द द फूड फ्लोएम कैन बी ट्रांसपोर्टेड एनी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है एज लॉन्ग एज शुगर है और सिंक है सोर्स और सिंक होना चाहिए बेटा ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं सो फ्लोएम सैप इज मेनली वॉटर एंड सुक्रोस बट अदर शुगर्स ठीक है फ्लोएम के थ्रू जो सामान जाएगा उसको बोलेंगे फ्लोएम साथ उसमें एक तो शुगर जानी है शुगर अकेली नहीं जाएगी साथ में पानी भी जाएगा और कुछ और शुगर्स भी जाएंगी हॉर्मोन्स जाएंगे अमाइनो एसिड जाएंगे ठीक है सो दे आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू द फ्लोएम ओके कैसे ट्रांसलोकेट होगा मास फ्लो हाइपोथिस और द प्रेशर फ्लो हाइपोथिस बहुत ईजी है बेटा ये वाली हाँ जी एक्सेप्टेड मैकेनिज्म क्या है ये है बेटा प्रेशर फ्लो हाइपोथिस पहले तो नाम याद रख लो एज द ग्लूकोज इज प्रिपेड बाय द सोर्स मान लीजिए बेटा ये पत्ती है तुम्हारा सोर्स इसमें क्या बन चुका है इसने फोटोसिंथेसिस करी और क्या बन गया ग्लूकोज बन गया ठीक है अब ग्लूकोज ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा पहले तुम इससे डायसेक्राइड बना दोगे इसके साथ प्रकटोज जोड़ के क्या बना दोगे सुक्रोज बना दोगे अब ये सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे इसको भेजना है ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू में ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू कौन सा है बेटा फ्लोयम है ये कौन सा है फ्लोयम है तो यार सबसे पहले तो इस सुक्रोज को इस फ्लोएम में चढ़ाएंगे लोडिंग करेंगे लोडिंग करने के लिए लगती है पैसे बेटा वो जो लोडिंग वाले आते हैं ना ट्रक व्रक लेके पैसे लेते हैं फ्री में नहीं होता पैसे क्या है ए तो लोडिंग ऑफ शुगर इन टू द फ्लोएम ऑफ द लीफ विल रिक्वायर ए टीपी एन एक्टिव प्रोसेस मतलब यहां पर आपकी क्या पहुंच चुकी है बेटा पैसे देकर हमने सारी सुक्रोज को यहां फ्लोएम में भेज दिया ठीक है अब फ्लोएम के नजदीक ही क्या प्रेजेंट था फोकस करना फ्लोएम के नजदीक क्या प्रेजेंट थे ज़ाइलम के चैनल्स प्रेजेंट थे जिसमें पानी है ये क्या है बेटा ज़ाइलम। तो यार यहां पे हमने देखा ज़ाइलम में पानी बहुत ज्यादा है फ्लोएम में तो सिर्फ शुगर ही है तो पानी विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन तो फटाफट से जाइलम से दौड़ते हुए पानी कहाँ आ जाएगा फ्लोएम ऑफ द लीफ में तो अब फ्लोएम ऑफ द लीफ में तुम्हारे पास पानी है और डाइसेकोराइड शुगर भी है अब आ जाओ यहाँ पे बेटा बाकी पार्ट भी बना लेते हैं प्लांट प्लांट का ये इसका शूट सिस्टम है ठीक है इस शूट सिस्टम में और क्या होगा इस शूट सिस्टम में बेटा फ्लोएम ऑफ द शूट भी तो होगा है ना तो अब यहां पर देखो यस yes. यहां देखिए बेटा इस जगह पर अब पानी ज्यादा हो गया क्योंकि इसने ज़ाइलम से ले लिया, इस जगह पर पानी नहीं है तो ये पानी बेटा उड़ता हुआ आ जाएगा से हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन लेकिन पानी अकेला नहीं आएगा साथ में शुगर लेके आएगा इस तरीके से बेटा धीरे धीरे हम लोग हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हुए कहां पर पहुंच जाएंगे रूट के फ्लोयम तक पहुंच जाएंगे कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा रूट के फ्लोयम तक पहुंच जाएंगे तो मान लो ये रूट आ गया रूट के फ्लोयम तक अपने लोग आ गए ठीक है यहाँ पर आपकी शुगर आ गई है लेकिन फ्लोएम में थोड़ा रखना है हमारे पास रूट के सेल्स भी तो है हमारे पास बेटा ये रूट के सेल्स हैं तो अब जो आपकी शुगर है बेटा वो कहाँ प्रेजेंट है ऑफ़ रूट पे प्रेजेंट है इस शुगर को क्या करना है अनलोड करना है है ना अनलोडिंग करनी है पहले लोडिंग करके लाए थे अब सामान ट्रक से उतारना है पहले ट्रक पे चढ़ाया था अब ट्रक से उतारने में भी बेटा क्या लगेंगे पैसे लगेंगे यानी कि अनलोडिंग में भी क्या यूज होगा ए यूज होगा तो समझ रहे हो पहले तुमने बेटा लोडिंग की ट्रक में चढ़ाया फ्लोएम में चढ़ाया उसमें क्या यूज हुए एटीपी फिर फिर तुमने से से उतार के cells, के रूट रूट को को सेल्स सेल्स दिया फिर से क्या लगा? तो बाकी बेटा, होता जा रहा है. Yes? पता चला तो अब तुम ये पढ़ोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा शुगर विल मूव इन फॉर्म ऑफ सुक्रोस इन टू द कंपेनियन सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये लोडिंग है बेटा ये लोडिंग कैसे हुई अपनी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हुई दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम बिल्कुल सही है बेटा यहाँ पर पानी की कमी हो गई तो ये पानी ले, ले लेगा xylem से हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई थी क्योंकि सो वॉटर इन द फ्लोएम वाया ऑस्मोसिस फिर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा तो धीरे धीरे हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पानी मूव करेगा तो पानी के साथ शुगर भी मूव करेगा ठीक है अब शुगर को रिमूव करेंगे फिर से बेटा क्या यूज़ वोटर पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट फेसिलिटेट द मास मूवमेंट ऑफ द फ्लोएम यस बेटा पता चल गया जो मैंने तुम्हें यहां पे बताया वही लिखा हुआ यहाँ देख लो ये मैंने बता दिया ये भी बेटा मैंने बता दिया तुम्हें हां जी ये सारा प्रोसेस बता दिया पहले सुक्रोज में बदला फिर कंपेनियन सेल्स में डाला एटीपी को यूज करके फिर जाइलम से पानी आया और फिर फ्लोएम के थ्रू ये सैप मूव करते हुए सेल के पास आ गया और अनलोडिंग भी कैसे हुई एटीपी को यूज करके यस yes? क्लियर हां जी बताइए

जनरेट हुआ जिसकी वजह से जो सैप है जिसमें पानी है शुगर है ये सब मूव करेगा मीन वाइल एट सिंक इनकमिंग शुगर फ्लोएम यानी कि हमने अनलोडिंग कर दी है विद द हेल्प ऑफ ए टी पी यस बता दें सब बच्चे क्या सबको यहां तक का पोर्शन क्लियर हुआ यस कम ऑन गाइस सोर्स टू सिंक फ्लोएम में याद करना है कि सबसे पहले सोर्स और सिंक कॉन्स्टेंट नहीं है वो वेरिएबल हो सकते हैं सीजन पे डिपेंड करता है कि कौन सोर्स है कौन सिंक है दूसरी चीज़ बेटा सबसे पहले तुम शुगर को डायसेक्राइड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करोगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होता है इस डाई को को के फ्लोएम में डालोगे जब तो एटीपी यूज करोगे फ्लोएम में डालने के बाद यहाँ पानी की कमी होगी तो जाइलम से पानी ले लिया तो अब फ्लोएम में पानी प्लस शुगर हो गया तो ये पानी प्लस शुगर मूव करेगा हाई टू 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 लो फ्लोएम 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 ऑफ 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 द द द द शूट शूट रूट नीचे तक बेटा, तक बेटा पहुंच गया अब फ्लोएम में शुगर है उसको देना है रूट सेल्स तक अनलोडिंग करोगे ए के थ्रू सिंपल यस कर लिया बेटा सबने फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है सिंस सोर्स और सिंक

ट्रिशन यस चलिए तो ये सारे नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे कहाँ पर टेलीग्राम पे सीप पाहुजा बायलॉजी के नाम से कल हमने अगला चैप्टर करना है, अगले चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन बहुत ही रट्टे वाला चैप्टर है तो कल बेटा रट्टे मारने के लिए तैयार हो जाना आई होप बेटा ये मैंने सारी एनसीआरटी तुम्हारी यहाँ पे नोट कर दी है तो इसके बाद तुम ये नोट्स को रिवाइज करना और एनसीआर रीड भी करना बेटा इस चैप्टर में थोड़ा सा ना थ्यूरी है तो एनसीआर को रीड करना भी बहुत जरूरी है जो मैंने हाईलाइट किया ये भी मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगी तो दो चीजें तुम्हारा होमवर्क रहेंगी एक तो तुम इसको रीड करोगे साथ ही बेटा ये जो फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने सारे नोट्स बनाए हैं इस नोट्स को भी तुम रिवाइज करोगे ओके कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा तुम्हें सिर्फ ये देखना है नोट्स में से और यहां से रीड करके देखना है कि मुझे यह लाइन समझ आई या फिर नहीं आई ठीक है इसका डीपी भी मैं शेयर कर देती हूँ अभी टेलीग्राम पे सीप पाहजा बायोलॉजी के नाम से तुम गूगल पे भी डाल दोगे ना सीप पाहूजा टेलीग्राम तो तुम्हें वहां मिल जाएगा ठीक है वहां पर जाना और ज्वाइन कर लेना फोन जाना और सारे नोट्स और डीपी भी मैं वहीं पर शेयर करने वाली हूँ ठीक है अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको डिटेल में पढ़ना है कि कोहिशन क्या होती है एडिशन क्या होती है तो बेटा है मैंने चैप्टर ना डिटेल में भी पढ़ाया हुआ तीन चार दिन लेके उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है इसी कहीं पे भी डालो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सीप पाहजा यूट्यूब पे तो तुम्हें वो डिटेल प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी बट मेरा सजेशन है इस टाइम पे 2022 एस्पिरेंट्स से जिनके पास सिर्फ 29 दिन बचे हैं 29 भी नहीं 39 डेज बचे हैं 39 डेज में डिटेल को अवॉइड करके आप सिर्फ एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड रहिए बाकी जितना पुराना याद है वो याद है ओके यही सच्चाई है यही सच्चाई है है ना चलिए तो तुम्हें एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड रहना है जिसको पुराना याद है बहुत अच्छी बात है फर्स्ट टाइम पुराना मत पढ़ना फर्स्ट टाइम डिटेल मत पढ़ना पहले पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल रिवाइज करो पुराने वाले नोट्स होंगे आपके पास ओके okay? चलिए तो विद दिस वी आर डन विद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अब बेटा मैं तुम्हें मिलूंगी कहाँ पर स्पेशल क्लास पे स्पेशल क्लास का लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है तो सब बच्चे बेटा इस स्पेशल क्लास में एनरोल कर लो टेस्ट होने वाला है साढ़े छः बजे सीपलाइफ कोड लगा के आ जाना राइट right, गाइस कल मिनरल न्यूट्रिशन की क्लास है स्पेशल क्लास में बेटा हम टॉप टेन थाउजेंड क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी डेली डिस्कस कर रहे हैं यस yes, डेली आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हो रहा है तो सब बच्चे इस क्लास में एनरोल कर लेना मुझे मैक्सिमम बच्चे चाहिए अपनी सिक्स वाली क्लास में ओके okay? चलिए साथ ही में प्लस पर मेरे बैचेस चल रहे हैं 2024 का अगर कोई बच्चा है या फिर 2023 ट्वेंटी थ्री तो बेटा एनविजन और नीव बैच मेरा चल रहा है इन दोनों बैचेस में बेटा आप एनरोल कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए एक ही कोड लगाएंगे कोड का नाम है सीप्लाई फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आप सबके लिए ट्वेंटी वालों के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज आ चुकी है वन में तुमको टोटल ग्यारह टेस्ट मिल रहे हैं तो तुम्हारे नीट से पहले आई वॉन्ट की तुम्हें फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो जिसके बाद डिटेल सोल्यूशन मिलेगा एनालिसिस होगा आपका रैंक प्रोडिक्टर के थ्रू रैंक पता चलेगा। ये सारी चीजें होने वाली है बेटा कोड क्या लगाना को सीपलाइव और भी बहुत सारे बैचेस है ना तो ये सब चीजें साथ ही में हम एक नया चैनल भी शुरू कर रहे हैं बेटा आपका सपोर्ट चाहिए होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में इसको और क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर लेना तो जब तुम यहाँ सब्सक्रिप्शन लोगे तो कौन सी सब्सक्रिप्शन लेना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना क्योंकि आइकॉनिक में मिलता है तुमको मेंटोर मेंटोरशिप मिलती है मैं कह रही थी कि तुम्हें अगर मेरे पुराने सेशंस देखने हो डिटेल में कहीं पढ़ना हो तो लिंक ट्री पे जाके भी देख सकते हो कहाँ पर लिंक ट्री लिंक टी आर डॉट डबल ई स्लैश सीप डॉट पाउजा या फिर सिंपल सा तरीका है गूगल पे लिंक ट्री सीप पाऊजा डालोगे मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मैंने डिटेल में भी वहाँ पर पढ़ा रखा ठीक है बेटा ये क्या फिजियोलॉजी नहीं है गौतम जी कह रहे हैं मैम फिजियोलॉजी तो बेटा ये क्या हम मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं दिस इज फिजियोलॉजी पहले प्लांट फिजियोलॉजी पहले पांच दिन करेंगे उसके बाद अपने जेनेटिक्स करेंगे एंड देन ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे ठीक है तो सेशन अच्छा लगता है तो यार लाइक करो ये yes? शेयर करो अपने मित्रों के साथ एंड कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि यार मैम समझ आया कि नहीं आया कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है तो क्लास के तुरंत बाद जरूर सब बच्चे कमेंट छोड़ेंगे कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्योंकि कमेंट्स में पर्सनली खुद पढ़ती हूँ ठीक है तो लाइक like जरूर कर दो पसंद आता है और नोट्स मैं तुम्हें अभी शेयर करने वाली हूँ ठीक चलिए बाय बाय गाइज टेक केयर